नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिथुन SML YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दशहरा यानी अब की बार जो दशहरा बीता है, दुर्गा पूजा जो बीत चुका है, इसमें ज़्यादातर गाना जो बताया जा रहा है कि पवन सिंह का बहुत ज़्यादा सॉन्ग बजा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का बहुत सारा जो है ना गाना नहीं बजा है अब की बार, क्योंकि खेसारी लाल यादव पे जो प्रतिबंध लगा है अदालत की तरफ से, उसके वजह से उसका गाना एक भी नहीं बजा है। जानते हैं क्यों नहीं बजा है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि उस पे जो अदालत की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रतिबंध लगाया है, बात ये निकल के आ रहा है कि वो ज़्यादा चैनल पे गाना नहीं गा रहे हैं, जिसके वजह से उसका ज़्यादा गाना अब की बार देवी माँ का या दुर्गा माँ का नहीं आया। पवन सिंह का सबसे ज़्यादा बेस्ट गाना आया है, क्योंकि पवन सिंह का गाना अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग सॉन्ग रिलीज किया जाता है। अब की बार खेसारी लाल यादव का ज़्यादा गाना नहीं आया, क्योंकि इस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, उसके वजह से इसका ज़्यादा वीडियो नहीं आया, ना तो ज़्यादा सॉन्ग आया, जिसके वजह से इसका ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिला। खेसारी लाल यादव का फैन अब की बार जो है ना बहुत ज़्यादा ही मायूस है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अब की बार खेसारी लाल यादव का ज़्यादातर गाना क्यों नहीं आया दुर्गा माँ का, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम ही लगाया गया है कि मैं मतलब एक चैनल के कंपनी की तरफ से उसको ऑफ़र दिया गया था, उस ऑफ़र को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उस एक्सेप्ट जो किया उस पेपर में साफ साफ लिखा गया था कि आप मेरे चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पे गाना नहीं गा सकते। इसके बावजूद खेसारी लाल यादव ने उसके पेपर पे साइन किया, और बाद में मुकरने लगा तो वो कोर्ट में मामला चला गया, जिसके वजह से उसका जो है ना उस पर आरोप लगा है कि आप 2-2.5 साल तक तो आप गाना दूसरे चैनल में नहीं गा सकते हैं, सिर्फ एक ही चैनल में गा सकते हैं, जिससे उन्होंने करार किया है। और पवन सिंह ऐसा कुछ भी प्रक्रिया में नहीं बंधा हुआ है, वो किसी भी चैनल में गाना गा सकते हैं, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा गाना रिलीज हो रहा है देवी माँ का, और भी बहुत सारे गीत। लेकिन बात करने वाले हैं इसलिए क्योंकि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का ज़्यादा वीडियो क्यों इतना वायरल रहता है, क्यों ट्रेंडिंग में रहता है। बात है कि पवन सिंह का आवाज़ ही कुछ ऐसा सुरीला है कि उसके बारे में कम, जितना बोला जाए कम ही समझा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मीठा आवाज़ में गाते हैं, बढ़िया लगता है गाना। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर वायरल करिए, और दूसरे लोगों को भी सेंड करिए व्हाट्सअप के जरिए। एंड करते हैं इस वीडियो को।